बात हरियाणा की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन दाखिल करने से पहले हवन किया। थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद भूपेंद्र हुड्डा सांपला में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने जीत का दावा करते हुए ये कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और बीजेपी सरकार जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मन बना चुके हैं इस बार कांग्रेस सरकार का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जब नामांकन से पहले उन्होंने पूजा पाठ किया और हवन किया। कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभा भी करेंगे। गढ़ी सांपला किलोई सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे, इसके बाद वहीं पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव लड़ चुके, हर बारी नामांकन होता है और लोग आशीर्वाद देते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस नियत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है जनसेवा के लिए, तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने। जितनी भी हो सके जनसेवा करेंगे। लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया, मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं है। तो पिछली बार वोट काटों को दी थी वोट, तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया।